Hello everyone. So in this video we are going to solve the periodic assessment test of mathematics standard 6th July 2021. So let's begin with question number 1. Question number 1 is do as directed. Within the first question there are two questions. So question number 1 is write the following in figures and arrange them in ascending order. Kya karna hai hame? Hame kuch figures di gayi hai, theek hai? Hame unhe figures mein likhna hai, words mein diya hua hai, theek hai? Unhe figures mein likhna hai and then figures mein likhne ke baad hame kya karna hai? Unhe arrange kar dena hai ascending orders mein, theek hai? To dekhte hai question number 1. So do as directed. Number 1, 97,52,354. So I have written down here 97 lakhs, then 52,52,354. Then number 2, 90,25,224. So 9025224. It is 90,25,224. Then third, 97,567. So 97,970,567. 97 lakhs and then 567. Now we have to arrange this 3 into ascending order. ठीक है, तो सबसे पहले आएगा number 2, 90,25,224. Then आएगा number 3, 97,567. And then last में आएगा number 1, 97,52,354. Now question number 2, make greatest and smallest 5 digit number using the digits 30794 only once. Kya karna hai, hame ek greatest number banana hai, ek smallest number banana hai using the given digits, and the given digits are 30794 aur inhe hum sirf ek hi bar likh sakte hai, theek hai? Twice nahi likh sakte, thrice nahi likh sakte, sirf ek hi bar likh sakte. So dekhte hain answer number 2 here. ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है? सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले एंड देन उससे छोटा, देन उससे छोटा. तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है 97430, ठीक है? तो ये है ग्रेटेस्ट नंबर 97430. देन है स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है? तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें 03479 अरेंज नहीं करना है, 30479 अरेंज करना है. वाई बिकॉज ज़ीरो अगर हम आगे रखते हैं, तो आगे ज़ीरो लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो ज़ीरो हट जाता है और फिर सिर्फ फोर डिजिट्स ही रहते हैं, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें सारे डिजिट्स को यूज़ करना है, इसलिए हम ज़ीरो को सेकेंड प्लेस पर रखते हैं एंड थ्री को आगे ले लेते हैं, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है 30479. Now question number 2. Write the type of angle made by the hands in the following clock. ठीक है, यहाँ पे क्लॉक के जो दो हैंड्स है, आर हैंड मिनट हैंड, वो कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो हमें लिखना है, ठीक है? राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है या एक्यूट एंगल है, ठीक है? तो फर्स्ट क्लॉक जो है उसमें ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है और जो सेकेंड क्लॉक है उसमें राइट एंगल बन रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे हमने लिख दिया है फर्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल एंड देन सेकेंड राइट एंगल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट दिया है राइट द नेम अंश यूजिंग स्ट्रेट लाइंस एंड काउंट द एंगल्स. बोला है कि अंश नेम लिखना है एंड देन हमें एंगल्स काउंट करने हैं उसमें, ठीक है? नंबर 2 देखते हैं. सी, हमने अंश इस तरीके से लिख लिया है यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, ठीक है? ए हमने स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करके लिख लिया, एन हमने स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करके लिख लिया, एंड देन एस स्ट्रेट लाइन को यूज़ करके लिख लिया, एंड देन एच भी हमने स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करके लिख लिया, ठीक है? अब सी, हमें सबसे फर्स्ट काउंट करना है नंबर ऑफ राइट एंगल्स, ठीक है? कितने राइट एंगल्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने राइट एंगल्स हैं. सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल राइट एंगल्स हैं 8, ओके? देन नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन राइट एंगल, ठीक है? यानी कि राइट एंगल से कम कितने एंगल्स हैं, मतलब एक्यूट एंगल्स कितने हैं, ठीक है? तो एक्यूट एंगल्स देखते हैं. सी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन राइट एंगल्स आर 5, ठीक है? देन हमें थर्ड दिया है नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल, ठीक है? अब हमें लिखना है नंबर ऑफ एंगल्स विच आर मोर देन राइट एंगल्स, ठीक है? तो हम देखेंगे, देखते हैं कि कौन से कितने एंगल्स हैं. सो 1, 2, ठीक है? सो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल्स आर 2, सो द आंसर इज़
2. Then moving ahead, question number 3. See, question number 3 hai, again do as directed. Isme hume kya karna hai, first mein find the perimeter of the given figure. ठीक है, जो figures हमें दी है उसका perimeter हमें find out करना है. तो perimeter find out करते हैं. यहाँ पे मैंने draw कर लिए figures. ठीक है, perimeter देखेंगे हम लोग. सी, तो first figure जो दी गई है उसकी perimeter देखेंगे. सी, ये है 3 centimeters. ठीक है, ऊपर हमें 5 centimeters है, 3 centimeters, 4 and 1. ठीक है, अभी क्या करेंगे, सारी sides को हम प्लस कर देंगे. ठीक है, सो 5 + 3 + 3 + 3 + 4 + 1, सो टोटल 16 centimeters. ठीक है, तो फर्स्ट फिगर का पैरीमीटर क्या है, 16 centimeters. देन हमें यहाँ पे एक ऑक्टेगॉन दिया है. ठीक है, 8 sides दी गई हैं और हर एक साइड क्या है, 2 centimeters है. सी, हर एक साइड क्या है, 2 centimeters है. और टोटल कितने टाइम्स दिया है, सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो 2 times 8 इज 16 centimeters. ठीक है, तो सेकेंड फिगर की भी जो पेरीमीटर है वो क्या है, 16 centimeters. नाउ नंबर 2. नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ 4 centimeters. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 8 centimeters एंड ब्रेथ 2 centimeters. वॉट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू एरिया. अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिसकी हर एक साइड क्या है, 4 centimeters है. फिर एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ 8 centimeters है और ब्रेथ 2 centimeters है. ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है. तो देखते हैं आंसर नंबर 2. ठीक है, ये रहा आंसर नंबर 2. सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमें लेंथ क्या दिया है, लेंथ ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. देन एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला लगा देंगे हम. एरिया ऑफ स्क्वायर की, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने की फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. सो 4 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, सो 4 × 4 = 60. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16 square centimeters. ठीक है, यूनिट लगाना मत भूलना. देन लेंथ, फिर अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है. तो लेंथ हमें दी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दिया है 2 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने की फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, सो 8 × 2 इज 16 सेंटीमीटर्स. सो नाउ सी, एरिया ऑफ स्क्वायर भी क्या है, 16 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 16 square centimeters. इट मीन्स दोनों के जो एरिया है वो सेम है. देयरफॉर एरिया ऑफ बोथ द फिगर दैट इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज सेम. ठीक है, ये है हमारा आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया डू एज डायरेक्टेड. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट भी कर लिया, सेकेंड भी कर लिया. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे है क्वेश्चन नंबर 4 डू एज डायरेक्टेड. अनुज भाई डिस्ट्रीब्यूट्स 80 नोटबुक्स अमंग 3 चिल्ड्रंस ऑफ हिज सोसाइटी. शो इन द फ्रैक्शन द नोटबुक ईच चाइल्ड गेट. सी, अनुज भाई ने क्या किया है, अपनी सोसाइटी के अंदर 80 नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट की है 3 बच्चों को. ठीक है, 3 ही बच्चे थे, उनको 80 नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए. ठीक है, अब सी, चाइल्ड 1 उसको कितनी नोटबुक दी है, 25. चाइल्ड 2 दूसरे बच्चों को कितनी नोटबुक दी है, 15. और चाइल्ड 3 तीसरे बच्चों को कितनी नोटबुक दी है, 40. अब हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शन लिखना है थर्ड कॉलम के अंदर. ठीक है, तो यहाँ हम फ्रैक्शन लिख देंगे. टोटल नोटबुक्स थी 80. ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड को मिली 25 नोटबुक्स, तो फ्रैक्शन है 25/80. सेकेंड चाइल्ड को मिली नोटबुक 15, तो उसका फ्रैक्शन है 15/80. एंड देन थर्ड चाइल्ड को दी है 40 नोटबुक्स, तो उसका फ्रैक्शन है 40/80. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. महेश ट्रैवल्स 3 1/2 kilometers बाय बस एंड 1 1/8 kilometers बाय वॉकिंग टू रीच अ सिटी. हाउ लॉन्ग हैज़ ही ट्रैवल टू रीच अ सिटी. सी, हमें यहाँ पे दिया है कि महेश किसी सिटी जा रहा है. ठीक है, तो उसने 3 1/2 kilometers बस से ट्रैवल किया एंड 1 1/8 kilometers वॉक करके वो गया. ठीक है, एक सिटी में. अब हमें ये बताना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ठीक है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे. सो 2 × 3 + 1/2, सो 2 × 3 = 6 + 1 = 7, 7/2. ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिया. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 7/2 kilometers. ठीक है, किलोमीटर्स लिख देना. देन डिस्टेंस ट्रैवल बाय वॉकिंग. ठीक है, वॉक करके कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 1/8 kilometers को कन्वर्ट कर लेंगे. 8 × 1 + 1/8. सो 8 × 1 = 8 + 1 = 9.
9/8. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वॉकिंग इज 9/8 किलोमीटर्स. अब हमें बताना था कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे. सो 7/2 प्लस 9/8, इसको हम ऐड कर देंगे. अब सी डिनोमिनेटर अलग अलग है, हम एलसीएम निकाल लेंगे. ठीक है, एलसीएम आएगा हमारा 8. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने हम दोनों को इक्वल कर लेंगे. 7 × 4 अपॉन 2 × 4, 2 × 4 8 हो गया. ठीक है, एलसीएम हमने 8 निकाला था. देन नेक्स्ट 9 × 1 अपॉन 8 × 1, 8 × 1 8. ठीक है, 8 हमारा एलसीएम था. नाउ सी 7 × 4 = 28, 2 × 4 = 8, तो 28/8 प्लस 9 × 1 9 एंड 8 × 1 8, सो 9/8. ठीक है, नाउ 28 + 9/8, सो 28 + 9 इज 37/8. ठीक है, 37/8 को हमने अगेन मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है 4/5/8. सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू रीच द सिटी इज 4/5/8 किलोमीटर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. डू एज डायरेक्टेड, कंप्लीट द गिवन पैटर्न. अब यहाँ पे कुछ पैटर्न दी गई है, वो हमें कंप्लीट करनी है. सो देखते हैं इसके आंसर्स. डू एज डायरेक्टेड, कंप्लीट द पैटर्न. सी सबसे पहले दिया है 1, 4, 9, 16, 25. सी 1 × 1 = 1, देन 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49 एंड 8 × 8 = 64. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पैटर्न. देन हमें दिया है 1, फिर दिया है 2, 3 छोड़ दिया 4, 5, 6 छोड़ दिया 7, 8, 9, 10 छोड़ दिया 11, 12, 13, 14, 15 छोड़ दिया 16, 17, 18, 19, 20, 21 छोड़ दिया 22. ठीक है, इस तरीके से नंबर स्किप कर दिया. पहले एक नंबर स्किप किया, फिर दो नंबर स्किप किए, फिर 3 स्किप किया, देन 4 स्किप किया एंड देन 5 स्किप किया. ठीक है, तो ये हो गया पैटर्न नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. इफ़ वी एसोसिएट द नंबर फ्रॉम 1 to 26 विथ A to Z रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल ऑफ वर्ड्स. सी हमें यहाँ पे क्या करना है कि अल्फ़ाबेट को नंबर्स दे दिया है. कैसे, जैसे A 1 पे आता है. ठीक है, B 2 और C 3, D 4, E 5, ठीक है, F 6, फिर G 7. इस तरीके से सारे अल्फ़ाबेट्स को एक एक पोजीशन दे दी है. ठीक है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं, उसी तरीके से उनको एक एक पोजीशन दी है. ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ नाम दिया है और हमें टोटल ऑफ वर्ड्स फाइंड आउट करना है कि वो टोटल क्या आ रहा है. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सी फर्स्ट हमें दिया है ओमकार, तो ओ कौन सी पोजीशन पे आता है, 15. ठीक है, आप अपनी फिंगर्स पे ही काउंट कर लेना, A B C D E F G H I J K L M N O. ओ कहाँ पे आता है, 15th पे आता है. ठीक है, M आता है 13 पे, K आता है 11 पे, A आता है 1 पे, R आता है 18 पे. ठीक है, देन ये सबका हमें टोटल कर देना है, तो टोटल आता है 58. देन सेकेंड वर्ड दिया है आशी, A आता है फर्स्ट पे, अगेन A आता है फर्स्ट पे, S पे, S आता है 19th पे, H आता है 8th पोजीशन पे एंड I आता है 9th पोजीशन पे. ठीक है, फिर इन सबका टोटल कर देना है, टोटल आता है 38. देन हमें दिया है मलय, मलय M आता है 13th पे, A आता है फर्स्ट पे, L आता है 12th पे, A आता है 1 पे, फर्स्ट पोजीशन पे एंड देन Y आता है 25th पोजीशन पे. देन इसका हमें टोटल कर देना है और टोटल आएगा 52. ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डू एज डायरेक्टेड. उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. क्या करना है, हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उसके हमें फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने हैं. ठीक है, एंड देन हमें दिया है गिव फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी 36 के फैक्टर्स लिखने हैं और 75 के फैक्टर्स लिखने हैं. देखते हैं दोनों क्वेश्चंस. सी फर्स्ट राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है, 3 और 4 दोनों को कंबाइन करके जो फर्स्ट 3 फैक्टर्स आते हैं वो हमें लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट 3 फैक्टर्स हैं 12, 24 और 36. देन 5 और 10 के फर्स्ट 3 फैक्टर्स लिखने हैं, तो 10, 20, 30 एंड 8 और 12 के फैक्टर्स लिखने हैं, मल्टीपल्स लिखने हैं, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने हैं, नॉट फैक्टर्स, मल्टीपल्स लिखने हैं. ठीक है, तो 8 और 12 के आते हैं 24, 72 और 96. देन क्वेश्चन नंबर 2, गिव फैक्टर्स. अब इसमें फैक्टर्स लिखने हैं, 36 के फैक्टर्स लिखने हैं. तो सी 1 × 36 = 36, 2 × 18 = 36, 3 × 12 = 36, 4 × 9 = 36, 6 × 6 = 36. अब हमें नीचे फैक्टर्स लिख देना है 36 के, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. ये सारे हैं 36 के फैक्टर्स.
देन यहाँ पे 75 के फैक्टर्स लिखने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 75, 75, 3 मल्टीप्लाई बाय 25, 75, 5 मल्टीप्लाई बाय 15, 75, ठीक है। तो 75 के फैक्टर्स हो गए 1, 3, 5, 15, 25, 75, ठीक है, ये हो गए 75 के फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन भी दी है नॉर्थ, यानी ऊपर वाली जो गार्डन वाली डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, ठीक है। स्कूल वाला जो है वो है ईस्ट, रेलवे स्टेशन है वेस्ट एंड मार्केट है साउथ, ठीक है। तो ये सारी डायरेक्शंस हो गई। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1, इन विच डायरेक्शन द रेलवे स्टेशन इज़ लोकेटेड। अब क्या हो गया है कि हमारा मैप एक पेज पे चला गया है और क्वेश्चंस दूसरे पेज पे आ गए हैं, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन द रेलवे स्टेशन इज़ लोकेटेड, रेलवे स्टेशन कौन सी डायरेक्शन में, सी स्कूल है ईस्ट, रेलवे स्टेशन है वेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर है वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे ये रहा फर्स्ट आंसर है वेस्ट, ठीक है। सेकंड है इन विच डायरेक्शन टेंपल इज़ लोकेटेड, टेंपल कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ देयर इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, यानी टॉप वाली पे गार्डन था, ठीक है। तो थर्ड आंसर है गार्डन। देन है इन विच डायरेक्शन हॉस्पिटल इज़ लोकेटेड, ठीक है, हॉस्पिटल कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट। देन हमें फिफ्थ क्वेश्चन दिया है कि नॉर्थ वेस्ट में क्या है, व्हाट इज़ देयर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अभी हमने देखा क्या है, हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। सी क्वेश्चन नंबर 1, रेशमा परचेस्ड 2 kg पोटैटोज एट रुपीज़ 30, 2 kg टमाटोज एट रुपीज़ 45 पर के जी एंड 500 ग्राम्स ऑफ एप्पल एट रुपीज़ 100 पर के जी, देन हाउ मच मनी डिड शी गिव टू द शॉपकीपर, ठीक है। रेशमा ने क्या किया, 2 kg पोटैटोज लिया एट द रेट ऑफ 30 पर के जी, ठीक है। तो 2 kg पोटैटोज कितने के हुए, 60 रुपीज़ के हुए, देन 2 kg टमाटोज एट रुपीज़ 45, तो 2 kg लिया है यानी कि कितने हो गए, 90 रुपीज़। देन 500 ग्राम्स ऑफ एप्पल लिए हैं एट रुपीज़ 100 पर के जी, तो 100 पर के जी है, 500 ग्राम्स यानी हाफ के जी, सो 50 रुपीज़ हुए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बताना है कि शॉपकीपर को उसने कितने पैसे दिए, देखते हैं किस तरीके से लिखना है। सी फर्स्ट है पोटैटोज 2 × 30 60 रुपीज़, टोमेटोज 2 × 45 90 रुपीज़ एंड एप्पल्स 1/2 × 100 यानी 100 का हाफ कर देना है क्योंकि उसने हाफ 500 ग्राम्स एप्पल्स लिए हैं, ठीक है। सो रुपीज़ 50। अब क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यहाँ पे ऐड का साइन नहीं लगाया हुआ है, आप लोग ऐड का साइन लगा देना। सो टोटल आ रहा है 200 रुपीज़, तो मनी गिवन टू शॉपकीपर इज़ रुपीज़ 200। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अ यूटेंसिल इज फिल्ड विथ 7 liters एंड 500 ml मैंगो शेक। एक वेसल है, ठीक है, यूटेंसिल और वेसल, ठीक है, उसके अंदर कितना लीटर मैंगो शेक है, 7 liters 500 ml। देन हाउ मेनी बोल्स ऑफ 250 ml ईच कैन बी फिल्ड आउट ऑफ इट, ठीक है। अब हमें 250 ml के ml के बोल्स फिल करने हैं, तो हम कितने बोल्स फिल कर सकते हैं ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मैंगो शेक, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिलीलीटर्स में सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे, तो मैंगो शेक कितना है, 7 liters 500 ml, सो 7 liters में 7000 ml प्लस 500 ml, सो टोटल हो गया 7500 ml। अब हमें 250 ml की बोल्स फिल करनी है और हमें ये बताना है कि कितनी बोल्स फिल होगी, तो हम क्या करेंगे, 7500 ml डिवाइडेड बाई 250 ml, सो नंबर ऑफ बोल्स एट कैन बी फिल्ड इज इक्वल्स टू 7500 डिवाइडेड बाई 250, 0 कैंसिल, हमारे पास बचता है 750 डिवाइडेड बाई 25, सो 25 को जब हम 750 से डिवाइड करेंगे, सो 25 × 3 = 75 एंड देन 0 बचता है, सो 30 बोल्स, तो कितनी बोल्स फिल होगी, 30 बोल्स फिल हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हमें यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ग्राफ, ग्राफ में से देख के हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। सो देखते हैं, यहाँ पे मार्क्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट ऑब्टेन बाय मोनिका इन स्टैंडर्ड 6 इज शोन हियर विद द हेल्प ऑफ द बार ग्राफ, ठीक है। मोनिका के कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं ये हमें बताया हुआ है, सी गुजराती में कितने हैं 60, मैथमेटिक्स में 85 90 एकदम 80 और 100 के सेंटर में, इट मीन्स 90, सो
100 और साइंस में 70, देन सोशल साइंस में 40, इंग्लिश में है 50 एंड देन हिंदी में भी 50, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चंस जो हमें दिए हैं वो ग्राफ को यूज़ करके आंसर करना है। सो फर्स्ट वन इज़ इन विच सब्जेक्ट डिड मोनिका गेट द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो सबसे ऊंचा बार कौन सा दिख रहा है, मैथमेटिक्स का, इट मीन्स उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस में आए हैं, मैथमेटिक्स में। सो फर्स्ट आंसर हो गया मैथमेटिक्स, ओके। देन सेकेंड, हाउ मेनी मार्क्स डिड मोनिका गेट इन सोशल साइंस, सोशल साइंस में मोनिका के कितने मार्क्स हैं, सी सोशल साइंस का बार ग्राफ जाता है 40 के ऊपर, सो उसके सोशल साइंस में आए हैं 40, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर है सेकंड का 40। देन थर्ड, इन विच टू सब्जेक्ट्स डिड मोनिका गेट द सिमिलर मार्क्स, अब कौन से दो सब्जेक्ट्स में मोनिका को सिमिलर मार्क्स मिले हैं। तो इंग्लिश और हिंदी में उसको, देखो दोनों बार सेम दिख रहे हैं, सो इंग्लिश और हिंदी में उसको सेम मार्क्स मिले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड आंसर इज इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में मोनिका के सेम मार्क्स आए हैं। देन हाउ मेनी मार्क्स डिड मोनिका गेट इन गुजराती सब्जेक्ट, गुजराती के अंदर मोनिका को कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो गुजराती का बार ग्राफ जो बार है वो जा रहा है 60 के ऊपर, सो गुजराती में मोनिका को मिले हैं 60 मार्क्स, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आंसर फॉर 60। देन इन विच सब्जेक्ट डिड मोनिका गेट 70 मार्क्स, 70 मार्क्स किस में आए हैं, ठीक है। तो 70 मार्क्स आए हैं सी साइंस का जो बार है वो 70 तक जा रहा है, सो साइंस में मोनिका के 70 मार्क्स आए हैं, तो फिफ्थ का आंसर है साइंस, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, द ग्रेड्स रिसीव्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम आर गिवन बिलो, प्रिपेयर अ टेबुलर इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग टेली मार्क्स। सी हमें यहाँ 30 स्टूडेंट्स के ग्रेड्स दिए कि मार्क्स एग्ज़ाम के अंदर 30 स्टूडेंट्स के कौन से ग्रेड हैं, किसी का बी है, किसी का सी है, ठीक है, किसी का ई है, किसी का ए है, किसी का बी है, ठीक है, किसी का डी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स के ग्रेड्स दिए हमें टेली मार्क्स बनाने हैं, ठीक है। तो सी यहाँ पे मैंने टेली मार्क्स बनाए, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितना टेली मार्क्स को काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिख देनी है, ठीक है, कि मतलब कितना फ्रीक्वेंट ए जो है ए ग्रेड आया है, ठीक है, सेवन मतलब बी जो ग्रेड है कितना फ्रीक्वेंट आया है, 7 टाइम्स आया है, सी कितना फ्रीक्वेंट आया है, 10 टाइम्स आया है। तो सी ए में कितने हैं, 3, मतलब 3 स्टूडेंट्स को ए मिला है, बी में कितने हैं, 7, तो 7 स्टूडेंट्स को बी मिला है, सी है 10, तो 10 स्टूडेंट्स को सी मिला है, डी है 6, तो 6 स्टूडेंट्स को डी ग्रेड मिला है, एंड देन बट ई है 4, यानी कि 4 स्टूडेंट्स को ई ग्रेड मिला है, ठीक है, और टोटल हो गया है 30। अब ये टोटल जो है 30, वो 30 आना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले से ही दे दिया है कि जो ग्रेड है, सॉरी जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, टोटल 30 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 10। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर होता है ख़त्म, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड 6th। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।